हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाली हूँ। यह है मसाला पाव पेटीज। तो देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जार में मिर्च और एक टमाटर काट के डाल दिया, थोड़ा सा नमक ऐड किया और इन सभी को हम ब्लेंड कर लेंगे। ये मैंने 6 उबले हुए मीडियम साइज के आलू लिए हैं। हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए, आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। एक पैन में हम 1.5 टेबल स्पून ऑयल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम 1 चम्मच राई डालेंगे। राई को तड़कने देंगे। आधी चम्मच हल्दी डालेंगे और अब सारे आलूओं को डाल देंगे इसमें। इसे हम एक बार मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच करीब नमक डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू में। 1 चम्मच खटाई डाल देंगे और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू में स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा कि आप खाना पसंद करते हो, तीखा या थोड़ा कम चटपटा। हमने आलूओं को 2 मिनट तक कुक कर लिया है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें 5 मिनट ठंडा होने देंगे। हम अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसकी टिक्की बना लेंगे। इस तरह से टिक्की बना के तैयार करेंगे। हमने तवा गरम करने रख दिया है। हम इस पर बटर डाल रहे हैं। बटर को मेल्ट होने देंगे। इससे हम इस पेटी को सेक लेंगे और एक तरफ ये चटनी डाल लेंगे, ये जो हमने पीसी थी। दोनों तरफ से हम इन्हें सेक लेंगे। आप इसमें गाजर, टमाटर,
शिमला मिर्च, प्याज, जो चाहे वो वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें गाजर ऐड कर रही हूँ। आप प्याज के स्लाइसेस, शिमला मिर्च को गोल काट के इस तरह से इसे असेंबल कर सकते हैं। इसे हम बारीक टेप से गार्निश करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मसाला पाव बेकिंग बनके तैयार है। और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।